हमारे गांव में विधायक सरदार बख्शीश सिंह के विकास कार्य गिनाने लगूंगा तो आपको मोनक हेड पे कम से कम 2 दिन लगेंगे मेरे हिसाब से। मैं आपको सरदार बख्शीश सिंह और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई ही मुणक में काम कराने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मुणक ब्लॉक देख लो, थाना देख लो, सब्याड़ बिजली अपना पावर हाउस, अब स्टेडियम, पीएससी हॉस्पिटल, टोटली सड़कें मुणक की, चाहे 12 दरी की हो, चाहे खोरा खेड़ी वाया गरोंडा, चाहे गगसीना वाया बड़ौता और कोंड वाया पानीपत, और ये जो सड़क मुणक हेड से अपना बाल पवाना जाती है पक्का खेड़ा, इसकी सबके टेंडर हो चुके हैं और लगभग 90% सड़कें कंप्लीट हो चुकी हैं। 1-2 रह गई है, वो भी हो जाएगी। अब जो निजी चौपाल हैं, जैसे मुणक के अंदर विधायक जी ने 32 लाख से हमारे महाराणा प्रताप भवन बनवाया, 6.5 लाख से बावरिया चौपाल, 15 लाख कॉन्वेंटी सेंटर अपना जो लंगर हाल है खालसा कॉलोनी में, अपना जांगड़ा चौपाल 7 लाख, गडरिया चौपाल 7 लाख, वाल्मीकि चौपाल 7 लाख, और उसके साथ साथ हमारा जैसे ओड चौपाल है अंदर वाली पुरानी ओड चौपाल के 11 लाख, 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हमारा बार वाला चौपाल का जो नई बन रही है, और 5-5 लाख रुपया हमारे तीनों लंगर हाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे विधायक सरदार बख्शीश सिंह जी ने दिए। सो ऐसे ही ग्रांट हमारे स्कूल में जो लाखों के हिसाब से 19,41,000 एक ग्रांट आई, 17 लाख की एक ग्रांट आई, 5,50,000 की एक ग्रांट आई। ऐसी आंगनवाड़ी हमारे गांव में 10 लाख की लागत से एक आंगनवाड़ी बनाई गई। तो मैं गलियों, ग्रांटों, ये अपना चौपालों, रास्तों की बात करूं और शमशान घाट, जो बड़ी शमशान घाट है 15 लाख रुपया, डेरा फौजी शमशान घाट में 8 लाख प्लस पैसे उसमें आके लग चुके हैं, काम तैयार हो चुका है। कोई भी गांव में काम अधूरा नहीं। हम तो अपनी भारतीय जनता पार्टी से एक ही गुहार करते हूँ कि हमारे सरदार बख्शीश सिंह विर्क ने जो हमारे मुणक में और इस पास लगते हुए, वैसे तो उन्होंने सारे हलके में ही बहुत विकास कराया है, पर करोड़ों छोड़ो तो यदि मुणक में सारे पैसे का हिसाब लगाएं तो कहीं अरबों में ना चला जाए। तो ऐसे ही सभी गांवों में, सारे हलके में उन्होंने विकास कराया है और उनको उपाधि भी हलके वालों ने दी है, विकास पुरुष की उनको उपाधि दी गई है। और ऐसा विधायक हमारे साथ कम से कम 20 साल बना रहे और ये हलका हलका नहीं रहेगा, ये एक डिस्ट्रिक्ट बन के तैयार हो जाएगी। और हम तो यही उम्मीद करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारे विधायक जी दोबारा जब विधायक बन के आए और वो मिनिस्टर बनेंगे, इस बार वो विधायक नहीं, वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। जब उन्होंने विधायक बनते हुए इतने काम कराए हैं, वैसे काम तो समय के अनुसार नए कामों की भी जरूरत आती है, और वैसे वैसे हमारे काम होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।